एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, तो सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आप लोगों के लिए ढेरों खुशियां लेके आए, और सभी को हैप्पी दिवाली। और अभी बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, और मेरा सारा जो मॉर्निंग का काम है वो ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आजकल मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर करूँगी, तो बस मॉर्निंग का काम ख़त्म करके दाल चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे, तो दाल चावल हो चुके हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए, तो सीधा आप लोगों से लंच शेयर करूंगी, क्योंकि कपड़े छत पे सुखाए थे तो सूख गए हैं, तो उसको भी फोल्ड करके रख देती हूँ पहले, और उसी के बाद में मैं आप लोगों के साथ सीधा लंच रूटीन शेयर करूंगी, आज का जो लंच बनाऊंगी वो। और उसके बाद में फिर वापस से आपको शाम को मिलूंगी सीधे ही लंच बनाने के बाद। ये मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही सबसे पहले बता के दे रही हूँ कि आज मैं वीडियो में आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आने वाली हूँ। तो बस उसके बाद में शाम को लक्ष्मी पूजन करेंगे। अभी तक मैंने मुहूर्त नहीं देखा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है वो देख लूँगी, और उसके बाद में लक्ष्मी पूजन करेंगे। और दिवाली है तो बच्चे पटाखे फोड़ेंगे, और कल रात तो पटाखे फोड़ के फिर 11 बजे ऊपर आए, उसके बाद में मैंने रंगोली निकाली, तो फिर 1:30 बज गया था। उसके बाद में वीडियो एडिट की, और वीडियो एडिट करने के बाद 3 बज चुके थे रात के, और फिर अर्ली मॉर्निंग उठे और फिर सारा काम किया है। तो अभी त्योहारों से इतनी थकान हो चुकी है कि क्या बताऊँ, मतलब मैं बहुत, मेरी तो आज आंखें ही सूजी हुई है, क्योंकि बिल्कुल ही आज नींद नहीं हुई है। तो आज दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, इसीलिए अभी मैं आप लोगों के साथ लंच शेयर कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर वापस से शाम को मिलूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूली का खारियू, और जो हमारा रोज़ का खाना होता है लंच का, वहीं बना रही हूँ। दाल चावल सब्ज़ी रोटी संभारा, और यहीं सारा कुछ बन रहा है, और कुछ नहीं बन रहा है खास आज दिवाली के दिन भी, क्योंकि शाम को भी प्रसाद लगेगा, और बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह आई हुई है ऑलरेडी घर में सब कुछ, क्योंकि पापा की दुकान है। और हमने, जैसा मैंने बताया था कि हमारे गांव पे भी दुकान है, तो वहीं से भी सारी मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ आ गया है, और इतनी मिठाई खा भी नहीं पाते हैं, तो इसके लिए कुछ मीठा बनाना नहीं है मुझे। तो ये मेरा मूली का खारियू भी बन गया है, उसके बाद में मैं दाल और सब्ज़ी वगैरह बना के रोटियाँ बना लूँगी। और हाँ, सब्ज़ी मैं आज अलग बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी कि मैंने किसकी सब्ज़ी बनाई है। और मैं यहाँ पे गुवार और ढोकली की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसे दाल ढोकली बनती है हमारी, उसी तरीके की ढोकली बना के, ये सिर्फ बेसन के आटे की रहती है, जिसमें मैंने मोयन डाल लिया है, नमक डाल लिया है, और हल्दी मिर्च, और ये सब कुछ, धनिया पाउडर, बस ये सारी चीज़ें डाल लेनी है, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और रोटियों जैसा नरम आटा गूँथ लेना है इसका, ये सिर्फ बेसन लगता है। और दाल ढोकली की ढोकली में हम गेहूं का आटा और बेसन दोनों डालते हैं, तो मैं गुवार ढोकली की सब्ज़ी बना रही हूँ, गवार की जो फली आती है, गवार फली, उसके साथ में ये बेसन की ढोकली डाल के। तो बस ये मेरा आटा गूंथ चुका है, तो इसकी मैं छोटी छोटी लोइयों जैसा बना रही हूँ ढोकली डालने के लिए। और अगर आप चाहो और इस तरीके से नहीं डालना चाहो, तो जैसे हम दाल ढोकली की ढोकली डालते हैं रोटियों की तरह बेल के, पतली रोटियाँ बेल के, फिर उसके टुकड़े करके भी आप डाल सकते हैं, पर मैं आज इस तरीके से डाल रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा पतला भी करना रहता है, इसीलिए मैं हाथों से थोड़ा और प्रेस कर रही हूँ, वरना जो ये ढोकली है वो बीच में से कच्ची रह जाती है इसके लिए। और यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, और जो गवार फली है उसको भी मैंने काट के रख लिया था धो के, उसमें टमाटर काट लिया है, और जो लहसुन है वो भी मैंने काट लिया है, तो लहसुन में, सॉरी, काट लिया है क्या, कूट लिया है, लहसुन को कूट लिया था, और लहसुन पहले नहीं डाला, क्योंकि लहसुन जो है वो जल जाता है, इसके लिए मैंने पहले हल्दी डाल के गवार फली और टमाटर डाल दिया है, और फिर लहसुन डाला बाद में।
और फिर जो हमारे मसाले रहते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, यही सब कुछ डाल के नमक डाल लिया है। और पहले मसालों को अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो ढोकली है हम डालने वाले हैं वो पानी बहुत ज़्यादा पीती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल लूँगी और उसमें उबाल आने के बाद में ये सारी ढोकली डाल लूँगी। और इसको 4-5 विसल लगने तक के पकाना है, ताकि हमारी जो ढोकली हमने डाली है वो अच्छे से पक जाए। ये आपको गट्टे की सब्ज़ी की तरह लग रही होगी, बस सेम उसी की तरह हो जाती है। उसमें प्याज की ग्रेवी लगती है, इसमें प्याज नहीं डलता है, बस इतना सा फ़र्क है। और आप रोटियों की रोटी बना के ढोकली डालोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा जल्दी बन जाएगी आपकी ढोकली, तो आपको ज़्यादा विसल नहीं लगानी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह में ही बता दिया था कि लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आराम करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने दोपहर में कुछ भी शूट नहीं किया था। लंच करने के बाद फिर भी बहुत लेट हो चुका था, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करते करते, तो फिर वापस से मैं अभी शाम से शूटिंग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं संध्या टाइम हो रहा था और दिए में बाती लगा रही हूँ, क्योंकि सब जगह दिए लगेंगे, दिवाली है तो सभी जगह पे दिवाली दिए लगाने हैं मुझे, तो इसके लिए। और दिए लगाने में भी थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि हार्दी के जो हम जूते लेके आए थे उसके पहनने के लिए, वो उसको आज पहना के देखे तो थोड़े से बड़े हो गए थे। और फिर ऐसे जूते रख के भी हम क्या करें, क्योंकि कल तो न्यू ईयर है, फिर सारी शॉप्स भी बंद होगी तो कोई चेंज नहीं कर देता, तो इसके लिए हम आज के आज ही गए थे चेंज करवाने के लिए मार्केट में। और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसके लिए दिए लगाने में भी बहुत लेट हो चुका है। तो अभी मैं फटाफट से दिए लगा लेती हूँ और उसके बाद में मुझे लक्ष्मी पूजन भी करना है। और देखिए, दिवाली की रात को ना घर कितना जगमगा रहा होता है, सब जगह दिए लगे रहते हैं सभी के घर पे, तो घर बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं जो हमने लाइटें वगैरह सब कुछ लगाया था वो तो मैं आज शूट करना भूल गई, वो तो मैंने पहले आगे के वीडियो में ही डाल ही दिया है कि किस तरीके से हमने सारी जगहों पर लाइटें लगाई है। तो देखिए, हमने दिए वगैरह भी लगा दिए है और दिए लगाने के बाद में मैं जाऊँगी सीधा जो लक्ष्मी पूजा होने वाली है उसके लिए प्रसाद बनाने के लिए। तो प्रसाद में मैं सूजी का हलवा ही बना रही हूँ और सूजी के हलवे को थाली में सेट करके उसको कट कर लूँगी, तो मेरा प्रसाद हो जाएगा। आज हलवे के टाइप में नहीं मैंने प्रसाद लगाया था, उसको थाली में सेट कर लिया था। तो अभी मैं पहले प्रसाद बना लेती हूँ, फिर जाऊँगी पूजा करने के लिए। और आज तो लक्ष्मी पूजन के भी कई मुहूर्त थे, दोपहर में भी था और फिर शाम को 6:30 बजे तक ही मुहूर्त था, तो फिर हम शाम में पूजा नहीं कर पाए हैं। तो अब जाके मुहूर्त 9 बजे का है, तो हम तभी पूजा करने वाले हैं। और बाकी के सारे हमारे मुहूर्त चले गए, हम बाज़ार गए थे फटाफट से इसके लिए, वरना फिर कोई भी जूते चेंज नहीं करके देता जो हम हार्दी के लिए लेके आए थे इसके लिए, और फिर ऐसे के ऐसे ही रखे पड़े रह जाते, तो इसके लिए हम लेट हो गए थे बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा अभी मैं हलवा बनाने के बाद मैं डिनर बना लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद हम लोग डिनर कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ लक्ष्मी पूजन करने के लिए, और यहाँ पे मैं पंचामृत स्नान करा रही हूँ। और ये पल्ला मैंने इसलिए इस तरीके से इसलिए रखा है क्योंकि पल्ला सिर पे ही नहीं रह रहा था, और आदत नहीं होती है हम लोगों को पल्ला रखने की। मुझे तो साड़ी पहनने की ही वैसे आदत नहीं है और पल्ला तो बिल्कुल ही नहीं रहता मुझसे, तो इसलिए बार बार सरकता जा रहा था, तो इसको मैंने इसीलिए ऐसे कान के पीछे सेट कर दिया था थोड़ी देर के लिए। तो पूजा वगैरह करने के बाद में अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। उसके बाद हमने फोड़े थे पटाखे और उसके बाद में निकाली थी मैंने रंगोली। तो दिवाली के दिन, मतलब दिवाली की रात को तो मुझे लगभग सोते सोते शायद 3 बज चुके थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक रिवाज होता है
कि दिवाली के अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब सुबह में अर्ली मॉर्निंग पहले तो आते थे जो नमक बेचने वाले आते हैं, उसको शुकन बोलते हैं, हम लोग शगुन लेना बोलते हैं, तो वो 4 बजे आते थे पहले, पर अभी तो रात को ही स्टार्ट हो जाते हैं 2:30-3 बजे से लेके। तो फिर वो नमक हम लोगों ने लिया था थोड़ा सा, मतलब 10-20 रुपये आपको जैसा मतलब शगुन देना रहता है वो दे के आपको नमक लेना होता है, उसको शगुन बोलते हैं। साल की नए साल की शुरुआत में सुबह में नमक बेचने के लिए आते हैं उसको, तो हम लोगों ने वो लिया था। और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए जस्ट सोने गए थे, शायद 1-1.5 घंटा ही नींद की होगी। और फिर तो अगले दिन हमारा न्यू ईयर रहता है, मैंने आप लोगों को बताया ही था, तो इसीलिए डिनर वगैरह तो इतना फटाफट से किया था वो तो मैं नहीं शूट कर पाई। बस अभी हम लोग पूजा करके डिनर करेंगे और बच्चे लोग जाएंगे नीचे फटाके फोड़ने के लिए। और ये देखो हार्दी एक कोने में बैठ गई है यहाँ पे, और हम लोग जो हमारी बिल्डिंग है उसके बाहर जो जगह पड़ती है वहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि पार्किंग में पटाखे फोड़ने से थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो इसके लिए हम लोग बाहर ही पटाखे फोड़ रहे थे। और उस दिन तो जो स्तुति ने और हार्दी ने फोड़े थे तो उसमें तो सिर्फ उन्होंने फुलझड़ी वगैरह ही की थी और कुछ नहीं किया था, और थोड़े से पॉप पॉप फोड़े थे, तो आज तो अनार वगैरह सब कुछ करने थे तो पार्किंग में नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाहर की साइड में कर रहे थे। और हार्दी को इतना डर लग रहा था क्योंकि हमारे पास तो डरने वाले कोई पटाखे नहीं थे, और जो दूसरे बच्चे फोड़ रहे थे उनके पास बम वगैरह सब कुछ था। तो ये देखो हार्दी कैसे कान पे उंगलियाँ रख के बैठी है, और कुत्ती को तो ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। उसको बम फूटे या कुछ भी हो उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा था, पास में ही बम इतने फूट रहे थे पर उसको डर नहीं लग रहा था। और हार्दी जो हमारी है वो डर के मारे वहीं पे बैठी थी, वो अपने भी फटाके नहीं फोड़ रही थी ना ही फुलझड़ी वगैरह भी जला रही थी, वो तो सिर्फ वहीं पे बैठी थी बस मुंह फुला के अपना। तो ऐसी रही हमारी दिवाली, और आप लोगों को ज़रा सी भी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर ये हार्दी के पापा हार्दी को मना रहे हैं कि बस अभी तो थोड़ी देर में ही वो जो बड़े बच्चे हैं जो पटाखे बम वगैरह फोड़ रहे थे वो थोड़ी देर के बाद में चले गए थे, तो फिर हार्दी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी और फिर चैन से बैठ के उसने जो बाकी के पटाखे थे वो फूटते हुए देखे थे। तो बस आज का वीडियो मैंने यहीं तक का बनाया था, और फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और